हेलो नमस्कार साथियों। देखिए हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 5 है। अंश का 5 गुना हर के 2 गुने से 4 अधिक है तो भिन्न क्या होगी। देखिए भिन्न है कि अंश तथा हर का योग 5 है, तो पहले हम इसमें भिन्न मानेंगे कि माना व भिन्न बराबर x बटा वाई है। मान लेंगे कि माना व भिन्न कितना है, x बटा वाई है। अब कहा है कि भिन्न के अंश तथा हर का योग 5 है, तो अंश किसको कहते हैं, ये ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इन दोनों का योग 5 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। इसके बाद कहा है कि अंश का 5 गुना, तो अंश क्या था x, इसका 5 गुना कर लेते हैं मतलब कि 5x हो गया। हर के 2 गुने से, हर का 2 गुना y है तो y का 2 गुना 2y हो जाएगा। हर के 2 गुने से 4 अधिक है, जो अंश का 5 गुना है वह हर के 2 गुने से 4 अधिक है, मतलब इसमें 4 जोड़ देंगे तब इसके बराबर हो जाएगा। वही कहा है ना कि अंश का 5 गुना हर के 2 गुने से 4 अधिक है, तो यहाँ पर ऐसे हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, इसको इधर लेके आएंगे तो -2y बराबर 4, इधर समीकरण 2 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा कर देंगे ऊपर, इसमें समीकरण 1 में 5 का गुणा कर देंगे तो x वाला मान कट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 गुणते 5, तो इसमें जब 5 का गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा प्लस 5y और बराबर 25। अब इसको 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 घटा लेंगे अब इसमें से, जब इसमें से घटाएंगे इसको यहाँ पर देखिए लिखेंगे 5x प्लस 5y बराबर 25, समीकरण 2 को लिखेंगे 5x माइनस 2y बराबर 4। इसको जब घटाएंगे तो यह प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यह माइनस है तो यह प्लस, यहाँ पर प्लस है तो ही माइनस, अब यह कट जाएगा तो 5 और 2 7, क्योंकि प्लस है दोनों तो 7y, और यहाँ से घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पर 2, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 7 3 21, वाई का मान 3 आ गया। वाई किसको माने थे हम, हर, तो हर का मान आ गया 3। अब y का मान समीकरण 1 में क्या किसी समीकरण में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस y की जगह पर अब 3 रख देंगे और बराबर 5, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 बराबर 2, x का मान 2, यह अंश का मान हो गया। तो भिन्न क्या हो जाएगी यहाँ पर, भिन्न x बटा वाई बराबर 2/3, यही इसका आंसर हो जाएगा।